और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। नमस्कार, वेलकम टू शालिनी रस्तोगीज किचन। और मैं शालिनी रस्तोगी आज आपके लिए लेकर आई हूँ फैट कटर जूस। इसमें हमने वही चीज़ इस्तेमाल की है जिससे फैट कटता है, और साथ ही साथ हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि फैट तो कटे ही लेकिन साथ में एनर्जी भी मिले हमें, तो उसके लिए भी हमने इसमें इन्ग्रीडियंट डाले हैं। आजकल ज़्यादातर लोग मोटापे से बहुत परेशान हैं, तो अगर आप इस जूस को अपने दिन भर में एक बार इसको यूज़ करेंगे खाने की जगह, तो ये आपको भरपूर एनर्जी देगा और आपके फैट को भी काटेगा। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्च, एक नींबू, कुछ पुदीने की पत्तियाँ, 250 ग्राम लौकी, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। अब सबसे पहले लौकी को हम ग्रेट कर लेंगे, टमाटर और अदरक के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब एक जार लेंगे और उसमें डालेंगे पहले टमाटर, फिर अदरक के पीस, फिर पुदीने की पत्तियाँ, हरी मिर्च को भी हम 2 पीस में कट कर लेते हैं, और अब डालेंगे इसमें ग्रेट की हुई लौकी। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी कर लेंगे। मिक्सी करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब एक गहरा बर्तन लेंगे और उसमें लगाएंगे छल्ली, और जो हमने ये पेस्ट बनाया था इसको छान लेंगे। सारा जूस इसका अलग कर लेंगे और पल्प जो इसका बचेगा उसको अलग कर देंगे। मैं यहाँ छल्ली से छान रही हूँ, आप इसको कपड़े में डालकर भी छान सकते हैं। सारा जूस अलग हो चुका है, अब इसको हम फेंक देंगे। अब इस जूस में डालेंगे एक नींबू का रस, भुना हुआ जीरा, काला नमक, सबको मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि कितना सुंदर इसका कलर आया है। अब इसको हम ग्लास में निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट एक ग्लास जूस हमारा तैयार हो चुका है। जितनी हमने सामग्री ली थी उससे एक ग्लास जूस हमारा तैयार हो गया है। अब इसको डेकोरेट करेंगे एक खीरे की स्लाइस से, इसको इसके किनारे पे लगा देंगे, और जूस हमारा एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका है। और देखने में तो सुंदर है ही, पीने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।